नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। देखिए, आउट परफॉर्मेंस कर रहा है या करेगा इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं कि आप किसी भी लेवल में एंट्री कर लेंगे। आपको एक मेजर सपोर्ट जोन चाहिए जहां पे लो रिस्क बनेगा, वहां पे अगर स्टॉक का प्राइस आता है वहां पे कंसीडर हो सकता है। तो स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन बनेगा, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल BEL, उसका करंट प्राइस चल रहा है 228.7 का। अगर आप यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 630%, इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर अभी हम लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे नियरली 128% एंड लास्ट 6 मंथ का रिटर्न नियरली 65%। तीनों टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्गली आउट परफॉर्म कर रहा है एंड जिस टाइप का अभी प्राइस मल्टीयर का ब्रेकआउट किया है, आने वाले टाइम में ये मूव को कंटिन्यू भी कर सकता है। बस हमारा काम है स्टॉक का प्राइस जब भी मेजर सपोर्ट के आसपास आता है वहां पे कंसीडर करना है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस के प्राइस ऑलवेज एक चैनल को फॉलो करता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा अप ट्रेंड चैनल, प्राइस अगर नीचे आएगा डाउन ट्रेंड चैनल, प्राइस अगर कंसोलिडेशन करता है एक फ्लावर चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करता है। एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस यहां पे इस अप ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है एंड इस चैनल जो स्टार्ट हुआ था ईयर 2008 से, उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस अपर बाउंड्री को टेस्ट किया है प्राइस को वहां पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड जब भी लोअर बाउंड्री को टेस्ट किया है प्राइस को वहां पे मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है। एग्जैक्टली देखिए प्राइस यहां पे जो मल्टीयर का चैनल को फॉलो कर रहा था 2023 में, प्राइस यहां पे उसका मल्टीयर का चैनल का अपर बाउंड्री जो कि मल्टीयर का रेजिस्टेंस बन रहा था उसको यहां पे ब्रेकआउट किया आफ्टर ए स्ट्रांग कंसोलिडेशन। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे प्राइस देखिए यहां पे मल्टीयर का रेजिस्टेंस जो था 120 के आसपास उसको ब्रेकआउट करने के बाद ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एस्टेब्लिश किया है एंड कंटिन्यूअसली प्राइस यहां पे हायर हाई परमिशन क्रिएट कर रहा है एंड जिस टाइप का मूवमेंट देखने को मिला है लुक्स लाइक आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस 300 को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन हमको एक मेजर सपोर्ट के आसपास एंट्री करना है। इस स्टॉक का प्राइस के लिए जो मेजर सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है नियरली 175 के आसपास, प्राइस जहां पे प्रीवियसली सपोर्ट लिया था। करंट प्राइस चल रहा है 228। अगर मार्केट का किसी भी खराब कंडीशन के ऊपर प्राइस पुल बैक करके नियरली 175 के आसपास आ जाएगा, एक बेटर लेवल है जहां पे प्राइस सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस हो सकता है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको होल्ड करना चाहिए, फ्रेश एंट्री करंट प्राइस के ऊपर मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क है, प्राइस एक बार पुल बैक कर सकता है 175 के आसपास। ये लेवल एक बेस्ट लेवल रहेगा फॉर फ्रेश एंट्री के लिए या फ्रेश ट्रेडिंग या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। हाई प्रोबेबिलिटी की आने वाले टाइम में 300 और उसके ऊपर भी जा सकता है। अगर टारगेट मेजर करने के लिए हम यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करेंगे, जो यहाँ पे करेक्शन था यहाँ पे फिबोनाची को प्लॉट करूंगा। टारगेट बन रहा है नियरली 316 का जो कि फिबो लेवल 3.618 का। लेकिन करंट प्राइस के ऊपर स्टॉक में एंट्री नहीं करना है, जब भी एंट्री करना है ना उसका प्रीवियस सपोर्ट जो बन रहा है 175 के आसपास एंड डिफेंस का रैली, डिफेंस स्टॉक में रैली देखने को मिल सकता है। मैं आशा करता हूं आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। अगर अभी हम राशो चार्ट देखें, राशो चार्ट भी उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है। तो BEL वर्सेस निफ्टी 500 का राशो चार्ट यहां पे मैं ओपन कर देता हूं। तो क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं राशो चार्ट ऑलरेडी उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है। ये जो ब्लू लाइन जा रहा था ये था मल्टीयर का रेजिस्टेंस जिसको ब्रेकआउट किया है। इस स्टॉक का प्राइस आने वाले टाइम में ज्यादा मूवमेंट जा सकता है, लेकिन एंट्री करना है मेजर सपोर्ट के आसपास जो कि अभी क्लियर बन रहा है 175। जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 1,67,211 करोड़ का, रिजर्व कैश है 14,085 करोड़ का, डेप्ट इक्विटी है जीरो, एक जीरो डेप्ट कंपनी है जो कि मैनेजेबल है। इंडस्ट्री पी के नीचे स्टॉक का पी चल रहा है 46, इंडस्ट्री पी है 74, प्राइस टू बुक वैल्यू है 11.3। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे, लास्ट थ्री क्वार्टर में सेल्स देखिए ग्रो कर रहा है, उसके साथ नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। अगर अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, प्रमोटर होल्डिंग कर रहे हैं 51%, FI के पास माल है FI के पास माल है 17.77%, जो कि मैनेजेबल है। DI होल्ड कर रहे हैं 23.37%, बहुत ही अच्छा क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक ओनली होल्ड कर रहे हैं 7.72%, जो कि पॉजिटिव साइन है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको मैनेजेबल कंसिडर कर सकते हैं एंड इस स्टॉक में तो यहाँ पे होल्डिंग है रिटेल का ओनली 7.7% जो कि मैनेजेबल है। हाई प्रोबेबिलिटी के आने वाले टाइम में यहाँ पे फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो भी फ्रेश एंट्री करना चाह रहे पुल बैक में 175 के आसपास कंसीडर हो सकता है।
मैं आशा करता हूँ आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।